ये दोबारा से अगर कब्जा करने की कोशिश कोई करेगा या ये दोबारा से अगर कब्जा करने की कोशिश कोई करेगा तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से अब 5000 पर डे उसको फाइन होगा। और ठीक है, ये गवर्नमेंट की लैंड हुई ना, इस बीच तुसें कोई इंटरफेयर नहीं करना, ठीक है, करके ते पर डे 5000 रुपया फाइन होना। संत गाएंगे, संत लिखेंगे, संत चलेंगे। ठीक है, ये गवर्नमेंट की लैंड हुई ना, इस बीच तुसें कोई इंटरफेयर नहीं करना, ठीक है, करके ते पर डे 5000 रुपया फाइन होना। और वो फिर थोड़ा उसकी रिकवरी होती है एज एरियर ऑफ लैंड रेवन्यू, जो मालिया को आते ना बाकीदार को साथ वो रिकवरी होती है, फिर जमीन प्रॉपर्टी जब्त करिए भी उसकी रिकवरी करना। अच्छा अच्छा, सर आज तहसील चनैनी में विन विन सिद्धांतों पर एंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई, और बटना में आज कितनी लैंड एक्वायर की गई? देखिए, मैं नायब तहसीलदार चनैनी सुदर्शन कुमार, आज हमने बटना और एंचा में ये मुहिम चलाई है, जिसमें हमने एंचा में 50 कनाल 12 मरले और बटना में 9 कनाल 19 मरले जो है स्टेट लैंड जो है रिट्राइव करवाई है। और हम लोगों को भी यही मैसेज देंगे कि वो या तो खुद अपनी ज़मीनें जो है वो खाली कर दें, तो नहीं तो उन पर भी ऐसी ही कार्रवाई होगी। ये जो ड्राइव चलाई जा रही है, क्या ये उद्योगपतियों पर चलाई जाएगी या गरीब लोगों के ऊपर ही पीला पंजा फिरेगा? देखिए, इसमें ये है कि ये पहले तो हमने जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि बिग चंक ऑफ लैंड जो है जिसको सरकार अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, पहले तो हम उसको ड्राइव करवाएंगे, उसके बाद जैसे भी ऊपर से आदेश हमें होगा हम वैसे ही करेंगे। तो अभी तक कितनी जगह रिकवर की गई है? देखिए, आज तक तो हमने पहले का हम रोजमर्रा की तरह हम देते आए हैं, जितनी हम ये ड्राइव करते हैं देते आए हैं, आज हमने जो है आज 9 कनाल और 11 मरले आज की हमारी जो है ये ड्राइव हुई है लैंड। गवर्नमेंट की तरफ से हमें आदेश मिले हैं कि जितनी भी स्टेट लैंड, रोशनी लैंड, काचराई लैंड, इससे जो इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं उनका कब्जा छुड़ाना है, और ये टोटली रिट्राइव करके हमें स्टेट को हैंडओवर करनी है, ये खाली करवानी है। इसकी हमें डेडलाइन 31 जनवरी 2023 की दी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये डेली बेसिस पे हम जितना मुमकिन हो सके उतना हम रिट्राइव कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस, और इसकी हम फिगर डेली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को हम कन्वे करते रहते हैं। तो हमारा रोशनी एक्ट हमारा था 536 कनाल रकबा जो ऑक्यूपाइड था, तो उसमें से हमने जे कोई 89% हमने जे रिट्राइव कर लिया है और 11% हमारा बैलेंस रह रहा है। आज हमने जहां एक प्राइम लोकेशन जो नेशनल हाईवे जो अंडर कंस्ट्रक्शन हमारा चनैनी सुदमा देव स्ट्रैच जो नेशनल हाईवे 244 बन रहा है, उसके अडजाइनिंग ही हमारा कुछ इलीगल ऑक्यूपेशन का रकबा था, ये नंबर खसरा 70 में आता है, जिसका 50 कनाल के करीब जो हमने आज ड्राइव किया है। तो जो ऑक्यूपेंट्स थे उनको हमने ये मौके पर हदायत दी है कि वो आइंदा के लिए इसमें किसी किस्म की वो अपनी काश्त वगैरह ना करेंगे और इसको खाली रखेंगे। सर, कई मकान इसमें हैं, मकानों को फिलहाल हमने कुछ नहीं, जो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं उनको एज इट इज अभी हमने रहने दिया, अगले आदेश तक हमें क्या हुक्म आता है ऊपर से तो उसका ही पालन होगा। तो ये जो अगर कोई दोबारा इस पर काबज हो जाता है, कोई नहीं मानता गवर्नमेंट के आदेश को, हमने जिसको मना कर दिया, ये दोबारा से अगर कब्जा करने की कोशिश कोई करेगा तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से अब
5,000 रुपया पर डे जोमिया यानी 5,000 पर डे उसको फाइन होगा, और वो उसका जितने दिन तक वो इलीगल ऑक्यूपेंट रहेगा उन दिनों का उससे वो रिकवर होगा एज ए लैंड रेवेन्यू, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। जैसे किसी का बाकीदार का कुछ बकाया देना होता है वैसे उसकी रिकवरी होती है। तो जो 50 कनाल की ये जो लैंड, ये इसकी कीमत तकरीबन 70 से 80 लाख के एज पर स्टैंप ड्यूटी रेट्स है, और अगर ऐसे देखा जाए तो ये 1 करोड़ से भी ज्यादा इसकी मार्केट रेट्स जो है, प्राइवेट मार्केट रेट उससे भी ज्यादा है।